शशि प्रभा जटवाल हैं। मैं आज इस टॉपिक पर परिचर्चा करूंगी। शीर्षक है भारत का संविधान, आपातकालीन प्रावधान, मीडिया सेंसरशिप के भारतीय अनुभव। उद्देश्य, प्रस्तुत आलेख का उद्देश्य इस प्रकार है: परिचय, आपातकालीन उपबंध, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रीय शासन, वित्तीय आपात, आपात उपबंध का मीडिया पर प्रभाव, संवैधानिक स्थिति, आपात उपबंध में प्रेस स्वतंत्रता। आलेख संरचना: भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इससे प्रवृत्त होने के दिनांक 26 जनवरी 1950 से ही ये भारत की सर्वोच्च विधि है। वास्तव में संविधान किसी भी राष्ट्र का अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसके द्वारा राष्ट्र का सम्यक संचालन किया जाता है। निसंदेह संविधान निर्माताओं ने अनेक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालने के साथ साथ भारत में उत्पन्न ऐसी परिस्थितियों के संदर्भ में भी स्पष्ट प्रावधान किए हैं जो एकाएक उत्पन्न हुई हैं। इसलिए ऐसी स्थिति से निपटारे के लिए भारतीय संविधान के भाग 18 के अंतर्गत आपात उपबंधों की व्यवस्था की गई है जिसके अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता से संदर्भित संवैधानिक बिंदुओं को भी रेखांकित किया गया है और इस विषय में हम संवैधानिक उपबंधों को भारतीय न्यायपालिका के निर्णयों के सापेक्ष मीडिया सेंसरशिप के संदर्भ में देखने का प्रयास करेंगे। परिचय: प्रस्तुत आलेख में संविधान के आपात उपबंधों की चर्चा की गई है। आपात की स्वाभाविक परिभाषा के अनुसार यह एक ऐसी विषम स्थिति को प्रदर्शित करता है जो अचानक पैदा हो गई है और जिसके अनुसार लोक प्राधिकारी ऐसी संकट की स्थिति का सामना करने के लिए संविधान द्वारा या अन्यथा उन्हें विशेष रूप से प्राप्त शक्तियों के अधीन तुरंत कार्यवाही करें। वास्तव में भारतीय संघ अनोखा है और संकट के समय इसमें एकात्मकता के गुण अति आवश्यक हैं। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं का विचार था कि असाधारण परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं और असाधारण परिस्थिति में संविधान की सामान्य योजना नहीं चल सकती है और संविधान के कतिपय भागों का निलंबन जरूरी हो जाएगा जिससे भारत की सुरक्षा के प्रश्न में कहीं से संदेह ना रहे, जबकि भारतीय संविधान के मूल पाठ में कहीं भी परिसंघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। वहीं सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में परिसंघ्य, अर्धपरिसंघ्य के रूप में किया गया है, जिसका अर्थ यह है कि भारत का संविधान कभी तो परिसंघ्य होता है और कभी एकात्मक। इसलिए जहां आपात उद्घोषणा होती है वहीं भारत की परिसंघ्य स्वरूप को त्याग कर एकात्मक स्वरूप धारण कर लेता है। वस्तुतः भारत के संविधान के भाग 18 के अंतर्गत अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 के मध्य आपात उपबंधों को व्याख्यायित किया गया है जिसके अंतर्गत उल्लिखित प्रावधानों ने भारतीय संविधान को परिसंघ्य तथा एकात्मक का अनोखा सम्मिश्रण बनाया है। निसंदेह भारतीय संविधान को परिसंघ्य या एकात्मक के किसी ढांचे में कसना कठिन है। इसमें दोनों की विशेषताएं हैं। भारतीय संविधान एकात्मक नहीं है क्योंकि इसमें संघ तथा राज्यों के मध्य कार्यपालक तथा विधायी शक्तियों के वितरण की व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी तरफ आपात उपबंधों के लागू होते ही भारत पूर्णतः एकात्मक स्वरूप की ओर उन्मुख हो जाता है। इस प्रकार भारत का संविधान एकात्मक है अथवा परिसंघ्य के बिंदुओं को ठीक प्रकार से समझने के लिए आपात उपबंधों को समझना अति आवश्यक है। जहां भारत राष्ट्र पूर्णतः एकात्मक स्वरूप को धारण कर लेता है और अपना परिसंघ्य स्वरूप त्याग देता है जिसके कारण प्रेस स्वतंत्रता पर भी प्रभाव पड़ता है। भारतीय संदर्भ में आपात उपबंधों के प्रयोग के व्यापक अनुभव हैं और तत्संबंधी न्यायिक निर्णयों ने इसमें परिवर्तन भी किया है जिससे मीडिया भी अछूती नहीं रह गई है। इसलिए मीडिया के सेंसरशिप के भी भारतीय अनुभव व्यापक हैं जिसको समझने की आवश्यकता है। आपातकालीन उपबंध: भारत के संविधान में कुल तीन तरह की परिस्थितियों में आपात उपबंधों के लागू करने का प्रावधान है। प्रथम, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा। द्वितीय, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा अनुबंध। तथा तृतीय, वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा: इस प्रकार की उद्घोषणा भारत के संविधान के अनुच्छेद 352(1) के अंतर्गत की जा सकती है। इसके अनुसार यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण
या सशस्त्र विद्रोह का संकट है तो यह घोषित करने वाली आपात की उद्घोषणा के पृष्ठ या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है। युद्ध या ऐसे किसी आक्रमण या विद्रोह के वास्तव में होने से पहले भी की जा सकेगी। इस प्रकार की उद्घोषणा अनुच्छेद 352(2) के अनुसार वापस ली जा सकती है। अनुच्छेद 352 के अधीन की गई उद्घोषणा पर संघ की कार्यपालिकीय शक्ति का विस्तार राज्य पर हो जाता है। इस दशा में संघ किसी भी ऐसे विषय पर विधि निर्माण का कार्य कर सकेगा जो कि संघ सूची के विषय से संबंध न रख के राज्य सूची के विषय के रूप में संबंधित है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लागू होने वाली राज्यों में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के अनुसार यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा क उस राज्य की सरकार के सभी या कोई कृत्य और राज्यपाल में या राज्य के विधानमंडल से भिन्न राज्य के किसी निकाय या प्राधिकारी में निहित या उसके द्वारा प्रयुक्त सभी या कोई शक्ति अपने हाथ में ले सकेगा। ख यह घोषणा कर सकेगा कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन होंगी। ग राज्य के किसी निकाय से संबंधित इस संविधान के किन्हीं उपबंधों में प्रवर्तन को पूर्णतः या भागतः निलंबित कर सकेगा जो उद्घोषणा के उद्देश्यों का प्रभावी करने के लिए राष्ट्रपति के आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हो। जबकि अनुच्छेद 356 के अधीन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने और विधानसभा को भंग करने की राष्ट्रपति की शक्ति सशर्त है, यह आत्यंतिक शक्ति नहीं है, वह न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है। इस प्रकार यदि विधानसभा को भंग किया जाना अवैध पाया जाता है तो न्यायालय उसे पुनर्जीवित कर सकता है। वित्तीय आपात संविधान के अनुच्छेद 360 के अनुसार राष्ट्रपति वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। इसके अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि इसके कारण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व संकट में है तो वह अपनी उद्घोषणा द्वारा वित्तीय आपात घोषित कर सकेगा। इस उद्घोषणा के अंतर्गत क किसी राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के वेतनों में सभी की अपेक्षा करने वाले उपबंध तथा ख धन विधेयकों या अन्य किसी विधेयकों का जिनको अनुच्छेद 207 के उपबंध लागू होते हों राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने के लिए उपबंध कर सकेंगे। इस तरह की वित्तीय आपात की दशा में वेतन व भत्ते में कटौती हेतु राष्ट्रपति आवश्यक निर्देश दे सकेगा। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत मंत्रिमंडल के निर्णय की लिखित संसूचना प्राप्त होने के बाद राष्ट्रपति का समाधान हो जाता है कि ऐसा गंभीर आपात विद्यमान है जिससे युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से संपूर्ण भारत अथवा उसके किसी छोटे भाग के बारे में आपात की उद्घोषणा कर सकेगा और इसे राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कहा जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आपात की तीन उद्घोषणाएं अब तक की गई हैं। प्रथम 1 अक्टूबर 1962 में चीन के आक्रमण के समय तथा दूसरी 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय की गई, जबकि तीसरी बार आपात की उद्घोषणा आंतरिक अव्यवस्था के आधार पर 25 जून 1975 को किया गया। इस आंतरिक अव्यवस्था के आधार पर लागू राष्ट्रीय आपात के व्यापक प्रभाव हुए, इसलिए बाद में संविधान 44th संशोधन अधिनियम 1978
द्वारा आपात उपबंधों के दुरुपयोग को रोकने के लिए आंतरिक अव्यवस्था के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रख दिया गया, अर्थात अब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा आंतरिक अव्यवस्था के आधार पर नहीं की जा सकती है। इस उद्घोषणा का अनुमोदन सदन के दोनों सदनों द्वारा यदि एक माह तक नहीं किया जाता है तो वह स्वतः समाप्त हो जाएगी, जबकि सदन के अनुमोदन के पश्चात आपात की उद्घोषणा 6 माह तक बनी रहेगी। आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित करना होगा। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/10 द्वारा हस्ताक्षर करके यदि राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है तो उस पर विचार करने के लिए 14 दिन के भीतर लोकसभा की बैठक की जाएगी और इस प्रकार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा रद्द की जा सकती है। अनुच्छेद 365 के साथ जब हम 353 को देखते हैं तो एक बार जब आपात उद्घोषणा कर दी जाती है तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य तक हो जाता है, अर्थात संघ राज्य को कार्यपालिका के संबंध में निर्देश जारी कर सकता है तथा राज्य द्वारा असफलता की स्थिति में अनुच्छेद 365 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। वहीं आपात के समय संसद को संघ सूची के अतिरिक्त राज्य सूची के संदर्भ में भी कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है, जबकि अनुच्छेद 354 राजस्व का वितरण करने के संघ के अधिकार को दर्शाता है। वहीं अनुच्छेद 358 आपात की स्थितियों के समय अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार के कुछ उपबंधों का निलंबन कर देता है। साथ ही अनुच्छेद 359 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात के समय राष्ट्रपति समस्त मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है। ऐसी स्थिति में मात्र अनुच्छेद 20 तथा 21 का निलंबित नहीं हो सकता है। इस प्रकार अनुच्छेद 358 तथा अनुच्छेद 359 के अंतर्गत न केवल विधायिका वरन कार्यपालिका भी अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार को छोड़कर समस्त मूल अधिकार में हस्तक्षेप कर सकता है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा। संविधान के अनुच्छेद 356 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर सकता है। यह आपात उपबंध राष्ट्रीय आपात से अलग है। इसके अंतर्गत संघ का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक अव्यवस्था से अपने राज्यों की रक्षा करे और यह निश्चित करे कि हर राज्य की सरकार संविधान के अनुसार चल रही है अथवा नहीं। अनुच्छेद 355 में दिए गए इस प्रावधान का अनुपालन न होने पर राज्यपाल की संस्तुति के आधार पर अथवा राष्ट्रपति यह निश्चित कर लेता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल है, तब संघ राज्य का शासन अपने हाथ में ले सकता है। इस प्रकार राज्य में निर्वाचित सरकार की बजाय संघ का शासन स्थापित हो जाता है। वहीं अनुच्छेद 357 के अनुसार राष्ट्रपति शासन के प्रवर्तन के दौरान संसद राज्य की विधायी शक्तियां को भी राष्ट्रपति को सौंप सकती है, जिसे राष्ट्रपति अन्य प्राधिकारियों को दे सकता है। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के प्रवृत्त होने के बाद से ही राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसद में निहित हो जाती हैं और इन शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा नियुक्त व्यक्ति ही कर सकता है। इसके अंतर्गत विधानसभा का विघटन किया जा सकता है अथवा उसे निलंबित रखा जा सकता है। ऐसी अवस्था में मात्र उच्च न्यायालय को छोड़कर अन्य किसी भी प्राधिकारी के अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। वहीं राष्ट्रपति शासन एक बार लागू होने के पश्चात यदि सदन द्वारा अनुमोदन नहीं किया जाता है 2 महीनों के पश्चात समाप्त हो जाएगा, जबकि अनुमोदन के पश्चात 6 माह तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है, जो 68 संविधान संशोधन के पश्चात अधिकतम 5 वर्ष तक प्रभावी रह सकता है। इस प्रकार राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के 100 से अधिक उदाहरण मौजूद हैं। वित्तीय आपात।
भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 18 में वर्णित आपात को राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 और राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा अनुच्छेद 356 के साथ ही वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 का भी उल्लेख किया गया है, जिसके तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि यदि उसे यह समाधान हो जाए कि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग में वित्तीय संकट है तो वह वित्तीय संकट की उद्घोषणा कर सकता है। यह उद्घोषणा भी 2 माह तक ही लागू रहेगी, जब तक कि उसे सदन के दोनों सदनों द्वारा पारित ना करवा लिया जाए, जबकि एक बार पारित होने के पश्चात वित्तीय आपात अनिश्चित काल तक के लिए जारी रह सकता है, जब तक कि उसे वापस ना ले लिया जाए। इस आपात के लागू होने पर राष्ट्रपति संघ के कार्य के संदर्भ में सेवा करने वाले सभी व्यक्तियों के वेतन में कमी करने का निर्देश दे सकता है। इस आपात की उद्घोषणा के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्तों में भी कमी की जा सकती है। साथ ही राज्य की सेवा करने वाले सभी व्यक्तियों के वेतन तथा अन्य भत्तों में भी कटौती की जा सकती है। वहीं राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयकों को भी राष्ट्रपति के समक्ष रखने का प्रावधान भी वित्तीय आपात के समय राष्ट्रपति को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार के वित्तीय आपात की उद्घोषणा स्वतंत्र भारत में आज तक नहीं किया गया है। आपात उपबंध का मीडिया पर प्रभाव। भारत के संविधान में प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों पर रोक लगाई जा सकती है। इसके अंतर्गत मात्र संविधान के अनुच्छेद 20 तथा अनुच्छेद 21 ही प्रवृत्त रहेंगे। इस प्रकार भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी रोक लग जाएगी। संविधान संशोधन अधिनियम 44 के पूर्व तक तो मात्र आंतरिक व्यवस्था के आधार पर लागू आपात उपबंधों को सशस्त्र विद्रोह शब्द से परिवर्तित कर दिया गया। इस परिवर्तन के पश्चात अब राष्ट्रीय आपात की अनिवार्य शर्त युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो गई है। अब इसके आधार पर ही आपात लागू किया जा सकता है। संविधान 44 संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 19 के निलंबन को युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति तक ही सीमित कर दिया गया है, अर्थात उन अवस्थाओं में जहां आपात की उद्घोषणा सशस्त्र विद्रोह के आंतरिक आधार पर किया जाए, वहां अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त स्वतंत्रता के अधिकार को छीना नहीं जा सकता है। इस प्रकार वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसके अंतर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है, को मात्र युद्ध या बाह्य आक्रमण के समय ही निलंबित किया जा सकता है। आपात उद्घोषणा के समय अनुच्छेद 358 के अनुसार आपात के दौरान की गई किसी प्रकार की ऐसी कार्यवाही जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 19 का उल्लंघन हो जाता है, को आपात समाप्त होने के बाद इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि आपात उपबंध के समय वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन किया गया था। इसके साथ ही साथ आपात के समय अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को यह प्राधिकार भी दे देता है कि वह संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 20 तथा अनुच्छेद 21 के अधिकारों को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों को निलंबन कर दे। आपात उपबंध में प्रेस स्वतंत्रता। भारत में घोषित आपात उपबंध 25 जून 1975 के बाद प्रेस की स्वतंत्रता के अनेक अनुभव सामने आए, जिसके अंतर्गत समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लागू कर दिया गया तथा 26 जून 1975 को केंद्रीय सेंसरशिप आदेश तथा प्रेस के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। आपात के दौरान भारतीय सुरक्षा कानून 1971 के नियम 48 के तहत प्रेस पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी गई। 20 जुलाई 1975 को जारी आदेशों के द्वारा संपूर्ण संसदीय कार्यवाही की रिपोर्टिंग पर भी सेंसरशिप लागू कर दी गई। पत्र सूचना कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार आपात के दौरान 253 पत्रकार को गिरफ्तार किया गया, जिसमें कुलदीप नैयर, के आर मलकानी, के आर सुंदर राजन जैसे पत्रकार शामिल थे।
वहीं 9 समाचार पत्रों पर पूर्ण पूर्व सेंसरशिप लागू कर दिया गया, जिसमें मेनस्ट्रीम, सेमिनार आदि प्रमुख थे। इसके अलावा मौखिक आदेश से अनेक समाचार पत्रों के प्रकाशनों पर रोक लगा दिया गया था। इसके अलावा करीब 60 समाचार पत्रों में समय समय पर पूर्व सेंसरशिप लागू किया गया, जिसमें स्टेट्समैन, वीर अर्जुन, प्रताप, सरिता, मुक्ता, संदेश, जन्मभूमि, भूमिपत्र आदि प्रमुख हैं। साथ ही साथ लगभग 2500 अखबारों के प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत की गई घोषणाओं को रद्द कर दिया गया। आपात उपबंध के दौरान आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन को प्रतिबंधित करने संबंधी एक अधिनियम 1976 में लागू किया गया, जिससे प्रेस को दंडित करने संबंधी वे सभी प्रावधान थे जो 1908, 1910, 1930, 1932 तथा 1951 के अधिनियम में थे। इसके अंतर्गत सक्षम अधिकारी को न सिर्फ वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(a) को प्रतिबंधित करने वाले अधिकारों जैसे भारत की एकता तथा अखंडता, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध आदि के आधार पर रोक के साथ ही सार्वजनिक व्यवस्था अथवा कानून तोड़ने को उकसाने के प्रयासों से संबंधित प्रकाशनों को प्रतिबंधित करने का अधिकार मिल गया और उन्हें चेतावनी देने, जमानत मांगने, जमानत जब्त करने का भी अधिकार उन्हें मिल गया। इस अधिनियम के अंतर्गत 60 दिन के भीतर उच्च न्यायालय की 3 न्यायाधीशों की विशेष बेंच के सक्षम अपील का प्रावधान था। इसमें आवश्यक सुरक्षा राशि जमा कराए बिना प्रेस चलाने या समाचार पत्र प्रकाशित करने पर 6 माह की जेल या ₹2,000 तक का जुर्माना या दोनों सजाएं, जमानत दिए बिना संपादक के रूप में कार्य करने पर 3 माह की जेल या ₹1,000 तक का जुर्माना या दोनों सजाएं तथा अनधिकृत समाचार पत्रों के वितरण पर 6 माह की जेल या जुर्माना या दोनों सजाएं देने का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि वैधानिक रूप से आपात उपबंध के समय प्रेस स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से सरकार के अनुकूल रखने का प्रयास किया गया था, जिसको प्रेस की स्वतंत्रता का हनन माना गया। उद्देश्य प्रस्तुत आलेख का उद्देश्य इस प्रकार है। परिचय, आपातकालीन उपबंध, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात, आपात उपबंध का मीडिया पर प्रभाव, संवैधानिक स्थिति, आपात उपबंध में प्रेस स्वतंत्रता। सारांश, प्रस्तुत आलेख में हमने भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात उपबंधों को प्रदर्शित किया है। संविधान में उल्लिखित 3 प्रकार के आपात, राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, राष्ट्रीय शासन की उद्घोषणा अनुच्छेद 356 तथा वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 को समझने का प्रयास भी इस आलेख में किया गया है, जिसके अनुसार राष्ट्र के सक्षम उत्पन्न हुई एकाएक परिस्थिति का उल्लेख भी किया गया है, जिसमें आपात उद्घोषणा की जाती है। भारत में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा 25 जून 1975 आपात के अनुभव मीडिया के स्वतंत्रता के दृष्टि से ठीक नहीं रहे। सेंसरशिप ने प्रेस स्वतंत्रता को निलंबित कर दिया था और उल्लंघन करने वाले को दंडित किया गया था, जिससे न्यायालय का भी हस्तक्षेप सीमित मात्र में था। वहीं संविधान के आपात उपबंधों में 2 प्रकार की आपात स्थितियों की परिकल्पना की गई है। प्रथम, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रीय आपात, और द्वितीय, अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात, जबकि तृतीय स्थिति में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने से पैदा स्थिति में वहां राष्ट्रपति का शासन आवश्यक हो जाता है। वहीं वास्तविक आपात की स्थिति जिससे मीडिया प्रभावित होती है मात्र अनुच्छेद 352 के आधार पर ही लगाया जाता है।